हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में भाजपा को राज्य में बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग सभी एग्जिट पोल्स हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि भाजपा भारी बहुमत से लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री सैनी ने मतदान समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र में पत्रकारों से कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हर वर्ग के लिए काम किया है। सैनी ने एग्जिट पोल में नतीजों पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा को शत्रुवाद, परिवारवाद और राज्य के प्रति भेदभाव से मुक्त किया गया। हमें पूरा भरोसा है कि हमने हरियाणा के विकास को नई गति दी है और 8 अक्टूबर को हरियाणा में भाजपा भारी बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने कहा कि चुनाव के पहले के माहौल के आधार पर मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत होगा और भाजपा सरकार बनाएगी। हरियाणा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल में जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू उतर रहा है। हरियाणा में 10 साल में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है। हर सर्वे में कांग्रेस भारी नजर आ रही है। पोल ऑफ पोल्स में कांग्रेस 54 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं भाजपा 27 सीटों पर सिमट सकती है। INLD को 3 और अन्य को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एग्जिट पोल अब आए हैं, मैंने सुबह ही बता दिया था कि लहर कांग्रेस के पक्ष में है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, MLA बनेंगे और हाई कमान जो भी फैसला करेगा वह सभी को मंजूर होगा। कुमारी शैलजा हमारी वरिष्ठ नेता है, उनका अधिकार क्यों नहीं है? वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि CM का फैसला हाई कमान करेगा।